और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो। सो गाइस, समराइज ओपन टेक्स्ट करने से पहले मैं सिंपली ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा इस सेक्शन की, कैसे आप इजीली कर सकते हो। मोस्टली गाइस आपको पता है डिपेंड होना पड़ता है टेम्पलेट पे। अगर आप टेम्पलेट अच्छे से याद कर रहे हो, टोटली माइंडसेट में अच्छे से आपने इजीली पुट कर रखा है, आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी स्पेलिंग्स आएगी और बिल्कुल करेक्टली आपको अच्छे से टेम्पलेट याद है, तब आप गाइस इजीली समराइज ओपन टेक्स्ट में 10 out of 10 ले सकते हो। वो सिक्वेंस गाइस मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको राइट डाउन करने हैं, कैसे आपको कीवर्ड्स पुट करने हैं। बट गाइस मोस्टली आपको राइटिंग और गाइस आपको यहाँ पे मोस्टली आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट का टेम्पलेट आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पलेट अच्छे से याद करना पड़ेगा, तब जाके गाइस आप इजिली वहाँ पे पुट कर सकते हो कीवर्ड्स। और गाइस मैस्ट मैं आपको बताऊंगा 15 to 20 कीवर्ड्स आपको राइट डाउन करने हैं। अगर आप 15 वर्ड्स कैच कर रहे हो स्पीकर से और इजिली पुट कर रहे हो, तब गाइस आप इजिली 10 out of 10 ले सकते हो समराइज स्पोकन टेक्स्ट में। आपको पता गाइस समराइज स्पोकन टेक्स्ट किसका पार्ट है, राइटिंग सेक्शन का पार्ट है। जिसकी स्कोरिंग है गाइस वो राइटिंग सेक्शन में भी जाती है और लिसनिंग सेक्शन में भी। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टेम्पलेट कौन सा बेस्ट रहेगा, सो गाइस ये देख सकते हो बिल्कुल बेस्ट टेम्पलेट रहेगा द लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे है, सिंपली आपका क्या आएगा यहाँ पे टॉपिक पुट करना है, आपको ऑलवेज ध्यान रखना है द लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट। जो भी आपका टॉपिक रहेगा सिंपली आपको पुट करना है द लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट टॉपिक। फर्स्टली द स्पीकर इम्फाइज डैट सिंपली गाइज आपको यहाँ पे कीवर्ड्स पुट करने हैं। कितने कीवर्ड्स पुट कर सकते हो गाइज, आप यहाँ पे 3 to 4 कीवर्ड्स पुट कर सकते हो। ऑल्सो ही या शी जो भी स्पीकर होगा गाइज आपको सिंपली वो पुट करना है। ऑल्सो ही या शी मेंशंस दैट, सिंपली गाइज आपको यहाँ पे 3 to 4 कीवर्ड्स पुट करने हैं। सो गाइज यहाँ पे भी 3 to 4 कीवर्ड्स। लास्टली द स्पीकर बिलीव्स दैट, यहाँ पे सिंपली गाइज आपको 3 to 4 कीवर्ड्स। और गाइस लास्ट में गाइस आपको इन कंक्लूजन में 3 to 4 कीवर्ड्स पुट करने हैं। ये रहता है गाइस अपना बेस्ट स्ट्रक्चर समराइज स्पोकन टेक्स्ट का। द लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट टॉपिक, फर्स्टली द स्पीकर एम्फसाइजेस दैट 3 to 4 कीवर्ड्स, ऑल्सो ही मेंशंस दैट 3 to 4 कीवर्ड्स, लास्टली द स्पीकर बिलीव्स दैट 3 to 4 कीवर्ड्स, इन कंक्लूजन 3 to 4 कीवर्ड्स। टोटल गाइस 15 to 20 कीवर्ड्स आप राइट डाउन कर सकते हो, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी गाइस ग्रामर वोकैबुलरी की और स्पेलिंग्स की। अगर गाइस आप अच्छे से लिखते हो करेक्टली वर्ड गाइस आप राइट डाउन करते हो स्पीकर से, तब आप गाइस इजिली कर सकते हो। सो गाइस मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ कैसे आप इजिली कीवर्ड्स पुट भी कर सकते हो। और गाइस ये टेम्पलेट मैं आपको सभी के सभी टेम्पलेट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो गाइस, we have briefly looked at some of the problems involved in running a biggish city, like, say, Melbourne. Keeping the road and rail systems running, policing, providing food and housing, and so on. In another lecture, I'm going to deal with what we must now call the megalopolis, cities with populations of 10 million or more. However, first I want to go back in history to when the population of cities could be numbered in the thousands rather than the millions. One of the earliest theorists of the city was, of course, Plato, who created an ideal city in his text, The Republic. The population of this city would be around 25 to 30,000 at most. Oddly enough, the same figures were chosen by Leonardo da Vinci for his ideal cities. Now, of these 25 to 30,000 inhabitants, only about 5,000 would be citizens. A reason for this might be that it is the largest number that could be addressed publicly at one time and by one person, and makes a voting system much easier to manage. Also, perhaps the numbers are kept deliberately low because a large population would be harder to control, or because, in practical terms, fewer inhabitants are easier to feed from local supplies without having to depend on outside sources. सो गाइस जैसे आपने कीवर्ड्स राइट डाउन किए होंगे अपनी कॉपी पे, सिंपली गाइस आपको उस टेम्पलेट में अच्छे से वो कोट करने आने चाहिए गाइस। सो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, द लेक्चर मेनली टॉक्स अबाउट, यहाँ पे सिंपली जो आपको टॉपिक सुना है टॉपिक पुट करना है। फर्स्टली द स्पीकर एम्फसाइजेस दैट, यहाँ पे कीवर्ड्स, ऑल्सो ही शी मेंशंस दैट कीवर्ड्स। सो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ करके, गाइस ध्यान से देखना। जैसे आपने कीवर्ड्स कॉपी पे राइट डाउन किए हैं 15 to 20 कीवर्ड्स आपने इजिली राइट डाउन कर लिए होंगे, बट मोस्टली गाइस आपको ध्यान रखना है जितने भी कीवर्ड्स आप राइट डाउन कर रहे हो स्पीकर से वो सभी के सभी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। कोई भी स्पेलिंग्स गाइस आपको रॉन्गली यहाँ पे राइट डाउन नहीं, वर्ड ऐड नहीं करने अपने टेम्पलेट में, तब गाइस आपको पुट नहीं करने कीवर्ड्स। अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी स्पेलिंग्स रॉन्गली राइट डाउन की है स्पीकर से, तब आप गाइस उसको यहाँ पे पुट नहीं करोगे अपने टेम्पलेट में। आप उस कीवर्ड्स को गाइस यहाँ पे
पुट नहीं करोगे, अगर आप हर एक स्पेलिंग्स करेक्टली राइट डाउन किया स्पीकर से, तब गाइस आप यहाँ पे इजिली पुट कर सकते हो अपने टेम्पलेट में। सो गाइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट डाउन कर रखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। द लेक्चर मेनली टॉक्ड अबाउट ब्रीफली लुकिंग एट मेलबर्न सिटी। फर्स्टली वी कैन हियर दैट ऑडियो शॉट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रोड रेल एंड फूड। द स्पीकर प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस प्रोवाइडिंग फूड एंड हाउसिंग। इन एडिशन ही ऑल्सो स्पोक about the city's largest number of people in Melbourne. In conclusion, the lecture was all about the voting system, local supplies and history. तो guys simply एक चीज ध्यान रखना, आपको always ऐसे ऐसे keywords write down करने हैं जो बिल्कुल proper noun हो guys. For example, मैंने समझाया था आपको proper name या proper person name या proper place name guys या proper thing name या for example जो चीजें हम ना देख सकते हैं अपने सामने वो भी आप पुट कर सकते हो, फील कर सकते हो गाइस। ऐसे ऐसे वर्ड आपको मोस्टली गाइस स्पीक करने हैं। आप इन वर्ड्स को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, इन टू ऑफ इन प्रपोजिशंस वर्ड्स हो गए या थोड़े कनेक्टिव से वर्ड हो गए, आप इनको कर सकते हो थोड़ा सा इग्नोर। तो गाइस सिंपली मैंने क्या किया था, टॉपिक पॉइंट पुट कर दोगे गाइस आप इजिली। फर्स्टली वी कैन हियर दैट द ऑडियो शॉट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रोड रेल एंड फूड। गाइस आप ऐसे कोमा लगा के रोड रेल एंड फूड ऐसे आप बीच में कनेक्टर्स यूज कर सकते हो एंड और बट, इससे क्या होगा गाइस आपकी ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी। द स्पीकर प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस प्रोवाइडिंग फूड एंड हाउसिंग। इन एडिशन ही ऑल्सो स्पोक अबाउट द सिटीज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन मेलबर्न। इन कंक्लूजन, सो गाइस आपको ध्यान रखना है, अगर प्रॉपर प्लेस नेम है, प्रॉपर सिटी नेम है या प्रॉपर पर्सन नेम है, प्रॉपर किसी कंपनीज का नेम होता है गाइस, तो आपको थोड़ा सा कैपिटल रखना पड़ता है उसका फर्स्ट लेटर, वो आपको ध्यान रखना है। इन कंक्लूजन द लेक्चर वाज ऑल अबाउट द वोटिंग सिस्टम लोकल सप्लाइज एंड हिस्ट्री। बिल्कुल इजी सा सीक्वेंस है गाइस, बट मोस्टली आपको टेम्पलेट अच्छे से याद करना पड़ेगा। और गाइस इसकी जो लिमिट होती है अपनी वो 50 टू 70 वर्ड्स की होती है, बट गाइस मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 55 टू 60 जा सकते हो, अगर थोड़ा सा लग रहा आपको 60-65 तक भी जा सकते हो मोस्टली गाइस। तो गाइस आप इजिली ऐसे राइट डाउन कर सकते हो समराइज स्पोकन टेक्स्ट, बिल्कुल इजी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगी अपनी ये, आप इजिली फॉलो कर सकते हो गाइस ये टेम्पलेट, और रियल एग्जाम में भी गाइस आपका अच्छा स्कोर आएगा ये टेम्पलेट यूज करके। सो गाइस आप देख सकते हो कंटेंट 2 out of 2, फॉर्म 2 out of 2, ग्रामर भी 2 out of 2 और स्पेलिंग और वोकैबुलरी भी गाइस। मैंने क्या बोला था, अगर टेम्पलेट अच्छे से राइट डाउन किया आपने, अगर टेम्पलेट अच्छे से पुट किया और कीवर्ड्स गाइस इजिली ऐसे पुट करने आपको जो बिल्कुल करेक्टली हो, कुछ भी रॉन्गली वर्ड नहीं होनी चाहिए, और गाइस आप एंड और बट भी यूज कर सकते हो, कोमा भी यूज कर सकते हो ताकि गाइस कोई भी मिस्टेक ना हो कहीं पे। और गाइस फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर पर्सन नेम प्लेस नेम ऐसे ऐसे वर्ड आप गाइस मोस्टली पिक कर सकते हो, इससे क्या होगा गाइस इजिली आपके कीवर्ड्स भी आपको कंटेंट भी आप इजिली 2 out of 2 मिल सकते हैं, और गाइस टोटली आपका स्ट्रक्चर बेस्ट रहता है इस टेम्पलेट से और ऐसे जाते हो इस वे से। सो गाइस बिल्कुल इजी टिप्स एंड ट्रिक्स है अपनी ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट की।